नमस्कार। तो आज हम आए हैं मिशन डिफेंस एकेडमी। डिफेंस फोर्सेस से संबंधित जितनी भी फोर्स हैं, आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, आरपीएफ वगैरह की जो भी फोर्स होती हैं, उनकी सब की तैयारी कराई जाती है। एक्सटर्नल सपोर्ट भी मिला है, इंटरनल सपोर्ट भी मिला है, मोटिवेशन भी मिला है, जो हमको नोट्स चाहिए थे नोट्स भी मिले हैं। अगर बाई चांस फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती थी सर, वो भी करते थे पूरी नर्सिंग स्टैंड के लिए। तो कितने समय में आप क्लियर कर पाए? मैम अप्रोक्स 5 मंथ। 5 मंथ में आपने क्लियर कर लिया? जितना भी सर का होता है वो अपना 101% देते हैं। बहुत ही अच्छी तैयारी होती है यहाँ पे, और टीचर्स काफी सपोर्टिव है, बहुत अच्छा माहौल है, मैं अकेले बैठ के पढ़ाई कर सकता हूँ इधर। नमस्कार। तो आज हम आए हैं मिशन डिफेंस एकेडमी स्पेशल फॉर डिफेंस, और आइए जानते हैं यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं, आर्मी की तैयारी करवाई जाती है, और किस प्रकार से जो बच्चे हैं यहाँ पे तैयारी करने के लिए आ रहे हैं, कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे करवाए जाते हैं जो कि बच्चे आराम से आर्मी में जा सकते हैं, आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। तो डिफेंस के बारे में यहाँ पे जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी मैम। नमस्कार सर, बताइए मिशन डिफेंस एकेडमी की स्पेशल चीज क्या है, मतलब यहाँ पे किस प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं? सबसे पहले तो आपने देखा होगा, जो नाम से पता चल गया होगा, मिशन डिफेंस एकेडमी। डिफेंस फोर्सेज से संबंधित जितनी भी फोर्स हैं, आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, आरपीएफ वगैरह की जो भी फोर्स होती हैं, उनकी सब की तैयारी कराई जाती है। इंक्लूडिंग हम एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं 25 अप्रैल से, एनडीए की जो ऑफिसर की टेस्ट होते हैं, जिसमें पहले आपका टेस्ट क्रैक किया जाता है, उसके बाद एसएसबी होता है, तो उस चीज का भी 25 तारीख से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं। और स्पेशल फॉर डिफेंस की हमारी एकेडमी है, जहाँ पर हॉस्टल प्रोवाइड कराया जाता है बच्चों को, जहाँ पर मॉर्निंग सेशन में उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है 6 से 2 8 2 घंटे, उसके बाद 9 से लेके 1 बजे तक क्लास का एक सेशन होता है, उसके बाद लंच के बाद दोबारा 3 से 6 दोबारा सेशन होता है, उसके बाद रात को 2 घंटे स्टडी, जो सेल्फ स्टडी है टीचर के साथ, वो कराई जाती है 8 से 10 जून का लास्ट ब्रेक होता है। तो क्या यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल भी है? बिल्कुल, गर्ल्स हॉस्टल भी है, बॉयज हॉस्टल अलग है, गर्ल्स हॉस्टल अलग है। गर्ल्स को वहाँ पर उनका सब कुछ अलग से प्रोवाइड कराया जाता है, उनका रहन सहन, खाना पीना सब उनका अलग होता है, बॉयज के साथ उनका सिर्फ कॉमन होता है क्लासरूम। जो ये डिफेंस एकेडमी यहाँ पे है रोहतक में, और पूछते हैं कि क्या कुछ कोर्सेज किए उन्होंने, कितने समय में वो लगे हैं, आइए सारी जानकारी बच्चों से ही लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बच्चे ही बता पाएंगे अच्छे से कि उन्होंने कौन कौन से कोर्सेज किए और उनकी कहाँ पे जॉब लगी है। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। अरुण नेहरा। अरुण नेहरा, आपका नाम क्या है? जतिन। आपका नाम? अमन नेहरा। अमन नेहरा, तो क्या कुछ कोर्स किया था और क्या सोच के यहाँ पे आए थे? एक्चुअली मेरे दोस्त ने बोला था कि मिशन डिफेंस एकेडमी अच्छी है, वहाँ पर चले जाओ, कोर्सेज भी अच्छे हैं एंड फिजिकल भी तैयारी कराते हैं, तो मैं उसके बिहाफ पे आया था। उसके बिहाफ पे आए थे जी। आपको किसने बताया था इस एकेडमी के बारे में? ये तो सर मेरे मामा ने बताया था, मेरे मामा यहाँ पर आते जाते रहते हैं ना रोहतक में, तो उन्होंने बताया था, तो बोले देख लेते हैं एकेडमी में, तो उस टाइम पे मैं दोनों के लिए आया था, लेकिन बीच में जब मेरा फिजिकल आया तो सर को मैंने बताया कि सर पहले फिजिकल ला रखा, तो फिजिकल कर लेता हूँ मैं जी। तो सबसे पहले ये बताइए आपने कौन से कोर्स की तैयारी करी? मैं एक्चुअली दिल्ली पुलिस के लिए और आर्मी के लिए आया था जी। तो कितना समय लगा आपको, मतलब कब ज्वाइन किया था? मैंने किया था सितंबर में। सितंबर इसी पिछले 2023। यस मैम जी। फिर देन मैं 2 महीने के लिए ग्राउंड की तैयारी करने गया था, देन फिर आफ्टर पेपर की तैयारी की थी। इस एकेडमी से क्या कुछ सपोर्ट मिला है? यहाँ पे स्टडी तो करवा ही रहे हैं, तैयारी तो करवा रहे हैं, और इसके अलावा क्या सपोर्ट मिला है? एक्सटर्नल सपोर्ट भी मिला है, इंटरनल सपोर्ट भी मिला है, मोटिवेशन भी मिला है, जो हमको नोट्स चाहिए थे नोट्स भी मिले हैं, अगर बाय चांस फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती थी सर, वो भी करते थे पूरी, देखिए फुल सपोर्ट मिला है, ऐसी कोई इशू नहीं था। सपोर्ट मिला है जी। आपने किस कोर्स की यहाँ पे तैयारी करी थी? एक्चुअली मैं यहाँ पे तो आर्मी के लिए आया था, लेकिन जिस तरफ से पेपर आते जाते तो सर कहते रहते थे कि सबकी के लिए तैयारी होती है यहाँ पर, तो सर जैसी जैसी क्लासेस बढ़ती जाती थी तो मैं उस चीज़ की तैयारी करता रहता था, लेकिन जब आर्मी का आया तो मैंने सिर्फ आर्मी की तैयारी करी थी उस टाइम पे। सर ने मेरे को बहुत सपोर्ट दिया था, फिजिकली भी और वैसे भी फाइनेंशियल के लिए भी। आपने किस चीज़ की, आप किस चीज़ की तैयारी करने के लिए? नर्सिंग स्टैंड के लिए जी। तो कितने समय में आप क्लियर कर पाए? मैम अप्रोक्स 5 मंथ।
फाइव मंथ में आपने क्लियर कर लिया? दो महीने के लिए ग्राउंड ट्रेनिंग फिजिकल के लिए, उसके बाद फिर दो महीने उसके लिए पेपर के लिए। जी, तो यहाँ से कितना कुछ सपोर्ट मिला? यहाँ के टीचर्स की बात करें, मैम 24 hours अवेलेबल थे मैम। कभी भी आप फोन पर मैसेज करो, तुरंत क्वेश्चन का रिप्लाई आ जाता, जो डाउट होते थे वो तुरंत क्लियर कर देते थे वीडियो कॉल, व्हाट्सएप पे, और बहुत पूरा सपोर्ट मिला मैम। तो देखा आपने कि यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई का ही नहीं बल्कि मेंटली फिजिकली हर चीज का जो यहाँ के टीचर्स हैं सपोर्ट कर रहे हैं। और आप भी अपने बच्चों को यहाँ पे मिशन एकेडमी पे जरूर भेजें। और देखा आपने कि 4 से 5 महीने में इन बच्चों ने कर दिखाया, क्लियर कर दिखाया और अब ये नौकरी पर है। तो आप भी बिना देर किए यहाँ पे बिना सोचे मिशन एकेडमी पे आए और अपने बच्चों का एडमिशन कराए और सुनहरा भविष्य पाए। बने रहिए मेरे साथ, मैं ज्योति ढलवाल। तो अभी हम क्लास के अंदर जा रहे हैं और जानते हैं यहाँ के माहौल के बारे में कि यहाँ पे बच्चों का क्या कुछ माहौल है। आपका नाम क्या है? अंकिता। अंकिता, कौन से बैच की कोचिंग ले रहे हैं आप? जी डी आर्मी जी डी। जी, क्या कुछ माहौल है यहाँ का? यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है। हाँ। मतलब टेम्परेरी क्लासेस होती हैं, टाइम टू टाइम क्लासेस होती हैं, सभी क्लासेस सुबह 9 से शाम 7 तक सारी क्लासेस बहुत अच्छी होती हैं। बहुत ही अच्छी, मतलब सर जितना भी सर का होता है वो अपना 101% देते हैं। बहुत ही अच्छी तैयारी होती है यहाँ पे। यहाँ का जो माहौल है वो भी बहुत ही अच्छा है। अगर टीचर्स, अगर मैं बात करना चाहूँ टीचर्स की, तो वो अपना बच्चों का 101% कंप्लीट देते हैं। कोई टाइम नहीं देखते भाई टाइम हो गया क्लास का, इनफ करते हैं क्लास। वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच्चों पे अच्छे से प्रिपरेशन करवाते हैं बच्चों को। कोर्सेज के अलावा टीचर्स का और क्या सपोर्ट रहता है? सर अपनी तरफ से भी बच्चों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जैसे कि सर समझाते हैं भाई तुम्हारे पास इतने दिन, अपने अच्छे से प्रिपरेशन करो और अपना 101% दो स्टडी। हॉस्टल फैसिलिटी की अगर मैं बात करना चाहूँ, यहाँ पे बहुत ही अच्छी हॉस्टल फैसिलिटी है। खाना वगैरह टाइम टू टाइम अवेलेबल होता है और बहुत ही अच्छा खाना मिलता है। और सर अदर एक्टिविटी भी करवाते, जैसे फिजिकल की, तो उसमें उसी पैसों में सर, जैसे हमारी मंथ की 3,000 फीस होती है, तो उसी के अंदर सर फिजिकल वगैरह की सब कुछ तैयारी करवाते हैं। यहाँ पे कितना टाइम हो गया कोचिंग लेते हुए? मेरे को 1 month हो गया। 1 month हो गया, तो आइए और बच्चों से जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा रोहित शर्मा। कब से यहाँ पे कोचिंग ले रहे हैं? 3 months से। 3 months से। कौन से कोर्स की आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं? मैं आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। जी, क्या कुछ मतलब समझ में आता है जो टीचर्स यहाँ पे तैयारी करवाते हैं? इसमें पूरा समझ में आता है। जी, और अगर हम हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें और यहाँ की स्टाफ की बात करें तो उनका क्या कुछ है? सब सपोर्टिव हैं। सब सपोर्टिव हैं। जी, तो यहाँ पे क्या नाम है आपका? प्रतीक। प्रदीप नाम है। प्रतीक। प्रतीक नाम है। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। कितना टाइम हो गया यहाँ पे कोचिंग लेते हुए? 2 months हो गए। 2 month हुए हैं। कहाँ से हैं आप? पिलाना। रोहतक डिस्ट्रिक्ट से, पिलाना गांव से। पिलाना गांव से। क्या कुछ माहौल लगता है यहाँ पे? समझ में आ जाता है जो टीचर्स तैयारी करवाते हैं? हाँ, सब समझ में आता है। सब समझ में आ जाता है। और अगर यहाँ की फैसिलिटी की बात करें? बहुत अच्छी फैसिलिटी है। तो देखा आपने मिशन एकेडमी पे जो बच्चे हैं वो बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छे से तैयारियाँ करवाई जाती हैं। हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करवाई जा रही है, खाने से लेके या फिजिकली एक्टिविटी से लेके यहाँ पे हर प्रकार की जो है तैयारी करवाई जाती है। बॉयज़ के लिए यहाँ पे अलग से हॉस्टल की सुविधा है और गर्ल्स के लिए भी अलग से हॉस्टल बनाए गए हैं। तो बिना देर किए मिशन एकेडमी पे आप अपने बच्चों को भेजें और सुनहरा भविष्य पाएं। क्या नाम है आपका? नमस्ते मैम, मेरा नाम ऋषभ है। ऋषभ नाम है। आप किस कोर्स की यहाँ पे तैयारी करते हैं? मैं D++B की तैयारी करता हूँ इधर। जी, तो क्या कुछ माहौल है इस एकेडमी का? मैम जनरली माहौल काफ़ी सही है, मेरे को 1 महीना हो गया इधर और मैं फिजिकल और D++B की इधर तैयारी करता हूँ, मैथ्स की क्लासेस लेता हूँ और टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव है, बहुत अच्छा माहौल है, मैं अकेले बैठ के ही पढ़ाई कर सकता हूँ इधर। अकेले बैठ के ही पढ़ाई कर सकते? जी मैम। आप रोहतक से ही हैं या बाहर से हैं? नहीं मैम, मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट से हूँ बेसिकली। हाँ। मेरा गाँव बास है। हाँ। और इधर मैं सिर्फ तैयारी के लिए आया हूँ उस टाइम के लिए। तो हॉस्टल में रहते हैं आप? जी मैम, ऊपर रहता हूँ हॉस्टल। हॉस्टल की क्या कुछ फैसिलिटी आपको मिल रही है?
मैम बेसिकली अच्छी डाइट है वैसे, सर भी काफ़ी स्पोर्टिव हैं, सुबह फिजिकल की तैयारी होती है, शाम को भी ग्राउंड पे जाते हैं, उसके हिसाब से खाना पीना काफ़ी सही है, मतलब खाना पीना सब सही है जी मैम, मतलब हर प्रकार का आपको सपोर्ट मिल रहा है जी मैम बिल्कुल। इस एकेडमी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम मैं रिकमेंड करूंगा अगर मेरे जैसे कोई भाई बहन है तो वो जरूर ज्वाइन करें इसको, जरूर ज्वाइन करें। सर आप अपनी एकेडमी का एड्रेस बता दीजिए। मेरी एकेडमी मैं आपको पूरा थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, पिछले 5 ईयर से रन है एकेडमी, जो पहले सिला बाईपास पे होती थी, जो फिर बाद में 1 साल के बाद यहाँ शिफ्ट हो गई थी, राजीव गांधी स्टेडियम के पास आजादगढ़ में नियर न्यू बस स्टैंड, न्यू बस स्टैंड से बात करें तो 200-300 मीटर डिस्टेंस है, 200-300 मीटर आगे राजीव गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम है, यहाँ पर शिफ्ट हो गई थी। और अगर आप कॉन्टेक्ट नंबर की बात करें तो अकेडमी का आप इधर एक बार रिज्यूम कर देंगे इसकी तरफ, ये जो सर, आप भी एक बार बोल के अच्छा, बता दीजिए। हमारी एकेडमी का कॉन्टेक्ट नंबर 2 नंबर हैं, जिसमें पहले नंबर पे 7700008052, उसके बाद 9996159725, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इन पे कॉल करके आप कभी भी डिफेंस से संबंधित है, अगर आप हमारे हॉस्टल में नहीं रहते हैं या अकेडमी में नहीं रहते, उसके अलावा भी आप अगर डिफेंस से कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो वहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद हमारा यूट्यूब चैनल भी है मिशन डिफेंस अकेडमी के नाम से, वहाँ